हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यदि आपका यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहा है तो होगा भी नहीं, आप शॉर्ट्स अपलोड करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं होंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जो भी ये गलती कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहा, तो वो गलती है क्या, आपको कौन सा गलती नहीं करना चाहिए और आपको कैसे शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहिए और कैसे अपलोड करना चाहिए, ये सारा सब कुछ डिटेल में आगे मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो इसे आपको अच्छी तरह देखना और समझना होगा, देन अपने YouTube चैनल पे अप्लाई करना होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, अब वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे मैं इस वीडियो में आपको टोटल 6 ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसे आपने अच्छी तरह देखना और समझना होगा, देन अपने YouTube चैनल पे अप्लाई करना होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। फर्स्ट ट्रिक है शॉर्ट्स क्रिएटिंग। तो जब आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड करने के लिए कोई शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं, तो आप अपने शॉर्ट्स क्रिएट करने से पहले आपको ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग सॉन्ग और ट्रेंडिंग शॉर्ट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए शॉर्ट्स क्रिएट करना है। चाहे आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का है, आप किसी भी कॉन्टेंट का शॉर्ट क्रिएट करते हैं, उसी कंटेंट रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक को देखना है और उस पे अपने शॉर्ट्स क्रिएट करना, और जल्दी से जल्दी कम समय में जितना जल्दी हो सके उस शॉर्ट्स को क्रिएट करके आपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना। सेकेंड ट्रिक है फर्स्ट इंट्रो। जब आप कोई शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो आपके शॉर्ट्स के फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 से 7 सेकेंड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंट्रो आपका अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट इंट्रो आपका गजब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस देखे तो देखते रह जाए और उन्हें ऐसा लगे, उन्हें ऐसा महसूस हो कि इस शॉर्ट्स में क्या कुछ है जो कि आगे है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग ही इस तरह का है, और वो आपके शॉर्ट्स से बाहर जाना चाहे लेकिन नहीं जा पाए, मजबूर हो जाए और इस तरह से आपके पूरे शॉर्ट्स को देख ले। यानी कि आपके शॉर्ट्स का स्टार्टिंग 5 से 7 सेकेंड का जो है इंट्रो, वो आपके पूरे वीडियो को ऑडियंस को देखने के लिए मजबूर कर दे। तो इस तरह का आपने अपने सोर्स में फर्स्ट के स्टार्टिंग में 5 से 7 सेकंड जो इंट्रो होता है उसे आपको लाजवाब करना हो, फिर आपके सोर्स को ऑडियंस फुल वाच करेंगे, और जब आपके सोर्स को ऑडियंस फुल वाच करेंगे तो आपके सोर्स का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा, और जब आपके सोर्स का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा फिर आपका सोर्स पक्का वायरल हो, ठीक है। थर्ड ट्रिक है थंबनेल। आपके सोर्स का थंबनेल भी अट्रैक्टिव होना चाहिए जो कि ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। ऑडियंस जब आपके सोर्स के थंबनेल को देखे तो वो मजबूर हो जाए आपको सोर्स को देखने के लिए। आगे जब आपके सोर्स का थंबनेल अच्छा होगा तो ऑडियंस उसे देखते ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपके सोर्स को वॉच करेंगे। फोर्थ में है सोर्स लेंथ। आपको अपने सोर्स का लेंथ क्या रखना चाहिए, तो आप अपने सोर्स का लेंथ 50+ सेकंड भी रख सकते हैं, चाहे तो 10 सेकंड रख सकते हैं, 20 सेकंड रख सकते हैं, लेकिन ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपने अपने सोर्स का लेंथ क्या रखना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप अपने सोर्स में ऑडियंस को कितने देर तक इंगेज करके रख सकते हैं, तो उस हिसाब से आपने अपने सोर्स का लेंथ डिसाइड करना है। यदि आप ऑडियंस को 50 सेकंड तक इंगेज करके रख सकते हैं तो आप अपने सोर्स का लेंथ 50 सेकंड कर सकते हैं, और यदि आप ऑडियंस को 20 सेकंड तक ही इंगेज करके रख सकते हैं तो आप 20 सेकंड का ही सोर्स स्टार्टिंग में बनाइए, क्रिएट कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप ऑडियंस को ज्यादा देर तक अपने सोर्स पर इंगेज करके रख पाएंगे, फिर आप अपने सोर्स के लेंथ को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ में है डेली अपलोड सोर्स। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे डेली कितना सोर्स अपलोड करना चाहिए तो इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे डेली कम से कम 4 से 5 सोर्स अपलोड करने चाहिए, और यदि आपके पास ज्यादा टाइम है आप ज्यादा सोर्स क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 सोर्स तो डेली अपलोड करना ही करना है। आगे जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे डेली सोर्स अपलोड करेंगे तो उसे ज्यादा कोशिश कीजिए दिन में अपलोड करने का, नहीं तो यदि आप दिन में नहीं कर पाते हैं तो शाम के टाइम 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपने अपलोड कर ही देना है,
क्योंकि आपको पता है दिन भर सभी व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद मैक्सिमम लोग फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जो यूट्यूब यूज करते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, वो पक्का एक बार यूट्यूब ओपन करते हैं। तो इस तरह से आपका सोर्स यदि अपलोड किया हुआ रहेगा तो कोई ना कोई तो आपके सोर्स को पक्का वॉच करेंगे। इसके साथ साथ जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे कोई नया सोर्स अपलोड करते हैं तो आपने अपने सोर्स में ट्रेंडिंग हैशटैग और रियल हैशटैग यूज करना है, जो कि आपने अपने सोर्स के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में भी यूज करना है। तीनों जगह आपने ट्रेंडिंग हैशटैग और रियल हैशटैग को यूज करना है, और साथ में आपने अपने चैनल का हैशटैग भी यूज करना है। ठीक है, सिक्स्थ में है जो आपको नहीं करना चाहिए, जो मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। यूट्यूब पर देखते हैं कि कोई सोर्स ट्रेंडिंग में चल रहा है, बस उस पर सोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। हाँ, उस पर बनाइए, ठीक है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, उस सोर्स में यदि वो सोर्स सिंगिंग का है, डांस का है, कॉमेडी है, एनी हाउ किसी भी कंटेंट का है, उसको देखते हैं कि ट्रेंडिंग में है, तो लोग गलती क्या करते हैं, हूबहू उसी तरह का सोर्स क्रिएट करने लगते हैं जैसा एक्टिविटी उस क्रिएटर ने किया है, सेम उसी तरह उतारते हैं, सेम उसी का डुप्लीकेट करते हैं। तो जब उस तरह का सोर्स ऑलरेडी वायरल है और अच्छा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, उनका सोर्स अच्छा है तभी तो वायरल हुआ है, तो आप उसी से मिलता जुलता उसी तरह का सोर्स बनाएंगे तो आपके सोर्स को कौन देखेगा। आपने उसमें कुछ अलग दिखाना है, कुछ अलग तरह से उस सोर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, सॉन्ग उसका है तो सॉन्ग ले सकते हैं, और जिस तरह से यदि वो कॉमेडी किए हैं, डांस किए हैं, तो उस डांस को आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ अलग दिखाना है जो कि उनके सोर्स से आपका कुछ बेहतर हो, उनसे अच्छा हो, तभी तो आपके सोर्स को लोग देखेंगे। और यदि आप किसी वायरल सोर्स को देख करके उस तरह के ही सोर्स बनाते हैं जिस तरह से उनका सोर्स बना हुआ है, यदि आप उनसे बेहतर करते हैं तब तो ठीक है, और यदि डाउन हो जाता है फिर आपके सोर्स को वॉच करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे, इस तरह से आपका सोर्स वायरल नहीं होगा। तो आपको अपने सोर्स में कुछ अलग करना होगा जो कि उनसे अलग हो, जो कि वायरल सोर्स से अलग हो, फिर आपका सोर्स वायरल हो सकता है। जो मैं बताना चाह रहा हूं शायद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो 6 ट्रिक आप लोग को बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यदि आप इसे फॉलो करते हुए सोर्स क्रिएट करते हैं और अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं तो आपके चैनल पे जो सोर्स को लेकर के प्रॉब्लम था, आपका सोर्स वायरल नहीं हो रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका सोर्स वायरल होने लगेगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।